स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटी का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत बेसिक सा पोर्शन होता है। आज थोड़ा हम मजीद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो है ना उनको जरा हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक तो तरीका होता है सॉल्व करवाना, वो स्टेप्स तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व किस तरीके से कर रहे होते हैं। अब देखो, केसेस बनते क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तीन चार केसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी क्वाड्रेटिक आपके पास फंक्शन आ रहा है ना, अच्छा नॉर्मली आपके पास फंक्शन नहीं आता, आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा और लिखा जाएगा ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, मतलब वाई की इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है यहां पे। अच्छा, करना आपने यहां पे ये है कि तीन चार केसेस बन रहे होते हैं क्वाड्रेटिक का। हमेशा ग्राफ अगर आप देखो तो पैराबोला बन रहा होता है। अब पैराबोला डिफरेंट किस्म के बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि जो एक्स एक्सिस है आपका जो पैराबोला, या तो वो इधर क्रॉस कर रहा होगा या वो इधर क्रॉस कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट पे क्रॉस कर रहा होगा या वाई को भी किसी पॉइंट पे जाए क्रॉस कर रहा होगा, उसको फिलहाल मैं कंसीडर नहीं कर रहा। दूसरा केस क्या बनेगा कि आपका सेम ही पैराबोला है लेकिन उसकी शेप डाउनवर्ड है, वो इस तरीके से कर रहा है दो पॉइंट पे। अच्छा, एक और केस क्या बन सकता है कि वो फॉर एग्जाम्पल वो ऊपर है, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा। और एक और केस भी बन सकता है कि वो नीचे की शेप तरफ उसकी शेप हो और वो जैसे ये जो है ये ऊपर जाता रहेगा लेकिन एक्स को अभी क्रॉस नहीं कर रहा। अगर आप इसकी बात करें नीचे की तरफ ही है लेकिन ये कभी एक्स को क्रॉस नहीं करेगा। तो कहने का मतलब तीन चार केसेस बन रहे होते हैं। अब होता ये है कि ये वाले केसेस जो है ये तो बड़े इजी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन जीरो रखना है, लेस देन जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो आपने लेस देन जीरो रखना है। तो मैं काम करता हूं, इसको हम ये कर लेते हैं प्लस सिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो फोर माइनस इसमें आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इनइक्वालिटी आ रही है। अब इस इनइक्वालिटी को नॉर्मली आप फैक्टराइज कर रहे होते हो, जैसे मेरिट टर्म ब्रेक आपने करनी ना वैसे करते हो और आप एक्स की वैल्यूज निकाल रहे होते हो इक्वल टू जीरो रख के। जो भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसको आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हो। किस तरह आप सॉल्व करते हो, क्या आप इस पूरी चीज को रखोगे जीरो के बराबर, उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करके एंड पे वो जो आप फैक्टर निकालते थे ना उस टाइप के आपके पास दो फैक्टर आ देंगे, दोनों को इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यूज निकालोगे। वैल्यूज निकालने के बाद क्या करना है वो मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनको आप इस तरह फैक्टराइज कर नहीं सकते, उनकी जो वैल्यूज है वो इमेजिनरी आ रही होंगी। अगर आप इसमें देखो वैल्यूज जो है वो इमेजिनरी आ रही है, आप बेशक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी देख लो वैल्यूज इमेजिनरी आ रही है। जब आपके पास वैल्यूज इमेजिनरी आए ना एक्स की, तो समझ जाना वो जो क्वाड्रेटिक पैराबोला बन रहा होगा, जो ग्राफ होगा उसका, वो एक्स को कभी क्रॉस नहीं कर रहा होगा। क्योंकि ये जो आप इक्वल टू जीरो रखते हो ना, ये बेसिकली वाई एक्स इंटरसेप्ट आप निकाल रहे हो। तो असल फंक्शन तो आपके पास ये था ना, इसको आप क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हो, इसके एक्स इंटरसेप्ट निकालते हुए आप क्या करते हो वाई की जगह जीरो पुट करते हो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करते थे। तो जो एक्स की वैल्यूज आती है उसका मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ एक्स के किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। अब अगर वैल्यूज आपके पास इमेजिनरी आ रही है इसका मतलब वो क्रॉस कर ही नहीं रहा, तो या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी शेप अपवर्ड होगी, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी शेप डाउनवर्ड होगी। अब इस इनइक्वालिटी आप सॉल्व करो, आपको पता है इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब या तो ये एक्स को क्रॉस नहीं कर रहा पहली बात, दूसरी बात इसकी शेप अपवर्ड होगी, इसकी शेप अपवर्ड होगी। तो अब इनइक्वालिटी ये है कि फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी आ रही है ना, आपको ऐसी एक्स की वैल्यूज बतानी है कि जब मैं एक्स की वैल्यूज पुट करूं तो आंसर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। आपको पता है यहां पे मैं कुछ भी एक्स पुट करता हूं हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्योंकि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना कि ग्राफ एक्स एक्सिस से अबव हुआ है तो आप कुछ भी पुट करो इसमें वाई वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, वाई वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं आएगी इसके अंदर। शौक हो तो एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो हाँ यार इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, कुछ भी एक्स आप पुट करो आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो मतलब इस ग्राफ को आप एक्सटेंड कर सकते हो ना, तो नेगेटिव पे भी आ जाएगा, ये छोटा लिखा हुआ है नेगेटिव पे आ नहीं रहा, लेकिन जब आप इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी आ जाएगा। कहने का मतलब आप नेगेटिव एक्सपोर्ट करो या पॉजिटिव एक्सपोर्ट करो इसका आंसर हमेशा क्या आ रहा होगा, ग्रेटर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपने माइनस टू पुट किया, माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है, यहां पर माइनस टू पुट करो माइनस फोर प्लस सिक्स, सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इनइक्वालिटी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइनस फाइव पुट करते हैं, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस टेन हो जाएगा प्लस सिक्स,
अभी भी आप देखो इसका आंसर जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। और बिल्कुल अगर आपके पास इनइक्वालिटी ये वाली होती, अब मैं स्लाइटली तो चेंज कर रहा हूं, अब एक सेकेंड माइनस फोर इसी करना है, इसको भी मैं नेगेटिव करता हूं क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन जीरो मतलब इमेजिनरी आंसर करना है ना, तो मैं इमेजिनरी वाली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्फर्स कंसीडर करो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। आप सबसे पहले इसमें देखो ऐसे एग्जांपल्स कम आती है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको दे रहा हूं कि डिफरेंट केसेस क्या बन रहे होते हैं। आप यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो आ रहा होगा। बी यहां पे टू है, बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी, तो सॉल्व करो माइनस माइनस पॉजिटिव और ये सिक्स हो जाएगा, सिक्स को माइनस फोर से करो माइनस ट्वेंटी फोर, तो आंसर आ रहा है माइनस ट्वेंटी जिसमें लेस देन जीरो। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो इमेजिनरी आ रहे होंगे, अगेन ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा। अब एक्स एक्सिस क्रॉस नहीं कर रहा तो आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी शेप डाउनवर्ड होगी, और जब इसकी शेप डाउनवर्ड है तो इसका आंसर कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव है एक्सिस के ऊपर, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। आप यहां पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, आप एक्स के नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, इसका सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप पुट करके देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल माइनस टू पुट करो, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर को माइनस से करो माइनस फोर, यहां पे माइनस टू पुट करो, माइनस टू को टू से करो माइनस फोर माइनस सिक्स, लेस देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो तो आई नहीं रहा। इस तरह आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा। तो आप ये कह दोगे कि यार इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज जो आप यहां पे पुट करो जिसका आंसर ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन ऐसी कोई भी एक्स की वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो हल निकालने की कोशिश करेंगे, मेरे जहन में ख्याल आता है, तो कहेंगे सर इस एक्स स्क्वायर को हम नेगेटिव है ना, मसला ये कर रहा है मतलब नीचे बन रहा है, इसको हम ऊपर बना देते हैं, और ऊपर बनाने का सिंपल हल क्या है कि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा क्या मसला होगा। आप उन इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज करना पड़ता है। अगर ऐसी इनइक्वालिटी को देखो, इमेजिनरी सॉल्यूशन अभी भी अगर आप निकालो सॉल्यूशन तो इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी शेप अपवर्ड बनेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया ना, अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरी चीज का आंसर लेस देन जीरो आना चाहिए, जबकि इसका ग्राफ तो ये है, इसका लेस देन जीरो कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। आप कुछ भी यहां पे एक्स पुट करोगे आंसर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब आप कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो ये दो केसेस जो है ये मैंने बहुत नहीं देखे इनइक्वालिटी में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना इनका वो मैंने समझा दिए कि अगर कभी आपसे फैक्टराइजेशन ना हो, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ना हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बताया कि यार इसके इमेजिनरी आंसर आ रहे हैं, तो समझ जाना कि भाई एक्स को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो इसकी शेप अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर शेप अपवर्ड बन रही है और ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब सारे सॉल्यूशन है। अगर अपवर्ड बन रही है और लेस देन जीरो है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। सेम कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर भी लगा दो कि अगर डाउनवर्ड शेप बन रही है और लेस देन जीरो है तो सारे सॉल्यूशन, लेकिन अगर डाउनवर्ड बने और इनइक्वालिटी हो ग्रेटर वाली तो अलग बात हो जाएगी इसके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग क्लियर करना था। अब आ जाओ आप लोग इसके ऊपर, इसमें आप लोग क्या कर रहे होते हो, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, फिर आप लोगों को स्टेप लेके चलूंगा किस तरीके से हम करते हैं। वो पैराबोला मतलब वो क्वाड्रेटिक जिसको आप ड्रॉ करो, पैराबोला बनता है जो एक्स को क्रॉस कर रहा होता है। अब वो एक्स को एक पॉइंट पे क्रॉस करे, मतलब कोई ऐसी भी पैराबोला बन सकते हैं जो एक्स पे बस टेंजेंट हो, एक पॉइंट पे क्रॉस करे या वो दो पॉइंट पे क्रॉस करे, तो होता क्या है। अगर आप इस पैराबोला को यहां पे देखो तो ऑब्जर्व करो, यहां पे इस वाले पैराबोला की बाद में बात करता हूं मैं, इस वाले की फिलहाल हम बात करते हैं। अगर आप देखो तो ये हमेशा दो तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये दो तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा है, कौन से हिस्से, अगर आप यहां से आ रहे हो, यहां से आते जाओ इस पॉइंट से पहले, तो आप देखो आपका पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस के अबव है, मतलब इसका ये जो पूरा शेप है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आओ तो आप देखोगे इसकी शेप जो है वो नीचे है, मतलब एक्स एक्सिस से ये नीचे है। अगर आप इस पॉइंट के बाद जाओ तो आप देखो इसका ऊपर है। तो कहने का मतलब जब आपका जो क्वाड्रेटिक है ये एक्स को दो पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है तो डिफरेंट रीजन में आपका कन्वर्ट, डिफरेंट रीजन में डिवाइड हो रहा है आपका जो पूरा ग्राफ है ये। ठीक है, तो अब आपको देखना होता है कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल कोई एक पैराबोला था, मैं जनरलाइज बात करता हूं, ये लिखा हुआ। अब आपको निकालना है वो सॉल्यूशन जिसमें ये आपका पैराबोला ग्रेटर देन जीरो है। आपको डायग्राम से सामने ये बात नजर आ रही है
कि अगर मैं इस यहां से लेके इस पॉइंट तक आऊं तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस के अबव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, और मैं इस पॉइंट के बाद जाऊं तब भी आपका जो पैराबोला है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो आप डायग्राम से तो फौरन सॉल्यूशन बना सकते हो, लेकिन हमारे पास डायग्राम तो नहीं होती ना, हमारे पास सिंपल ये होती है। तो फिर हम हल क्या करते हैं, हम ये हल निकालते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। बिल्कुल, अगर आपके पास डायग्राम ना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज निकाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक x की वैल्यू यहां पे आ गई, एक x की वैल्यू यहां पे आ गई, जो भी वैल्यूज आ गई, इसका मतलब आपको ये दो पॉइंट मिल गए। ये दो पॉइंट आपको देखने में लग रहा है तीन हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है पूरा इस पॉइंट से पहले, दूसरा हिस्सा इन दोनों पॉइंट के दरमियान है, तीसरा हिस्सा ये वाला है। तो तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आप चेक करोगे कि आपके पास इनइक्वालिटी क्या है। अब अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप निकालोगे कि कहां पे ये ग्रेटर है, तो वो रीजन आ जाएगा। और निकालने का प्रोसेस क्या होगा, आप एक काम करोगे, आप इस रीजन के अंदर कोई भी वैल्यू लोगे, उस वैल्यू को पुट करोगे इसके अंदर। अब बिल्कुल, अगर इसका ग्राफ ये वाला है, जरा गौर से समझना है, अगर इसका ग्राफ ये वाला है तो अगर इस रीजन में आप कोई भी वैल्यू निकालोगे, ये पूरा रीजन एक्स की, आप कुछ भी वैल्यू इस वाले रीजन से उठाओगे और इसके अंदर पुट करोगे, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका मतलब ये रीजन आपका आपको मिल जाएगा, ग्राफ बनाए बगैर आपको रीजन मिल रहा है। आप यहां पे कुछ भी वैल्यू उठाओगे, इसके अंदर पुट करोगे, आंसर आपको ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये रीजन आपका आंसर है। अगर आप किसी रीजन को पिक करोगे और इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू लोगे और इसके अंदर पुट करोगे, तो आंसर ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि नीचे है। तो आप समझ जाना कि यार ये रीजन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें वो रीजन चाहिए जो ग्रेटर देन जीरो हो। तो फिर हम इस रीजन को क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम इस रीजन को कंसिडर करेंगे, कोई भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे, इसके अंदर आपको पता है आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। जैसे हमारे पास आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, हम समझ जाएंगे ये वाला रीजन जो है ये हमारे काम का। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, ग्राफ बनाए बगैर हम इस इनइक्वालिटी को, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझाया आपको, सिर्फ स्टेप्स ही बताया कि ये आपने काम करना है। और बिल्कुल, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेस देन जीरो आ जाए, आपने दो एक्स की वैल्यू निकाली, जब दो एक्स की वैल्यू होती है तो वो तीन हिस्सों में तकसीम होता है, एक इंटरवल ये होता है, एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, दो पॉइंट तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो आप क्या करोगे, आपने तीनों इंटरवल से कोई भी वैल्यू पुट करनी है। अब आपकी मर्जी है, इस इंटरवल के अंदर फॉर एग्जाम्पल जीरो भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, कुछ भी पुट करके देख लो, जो आपको आसानी है। आप पुट करोगे, आपको देखने में लग रहा आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा, जबकि आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो। इसका मतलब ये रीजन आपके काम का नहीं है। जो भी तीन रीजन आ रहे होंगे ना, उसमें से एक वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा तो वो रीजन आपके काम का नहीं है। फिर दूसरे रीजन से आप वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, और अगर आंसर लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो रीजन आपके काम का। फिर तीसरे रीजन से निकालोगे तो वो आपके काम का नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये पूरा प्रोसेस है जो आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में परफॉर्म कर रहे होते हो। सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप इसमें देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा इंटरवल है, इसमें आपका ग्राफ लेस देन जीरो है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लेस देन जीरो का बोले, तो कौन कौन से रीजन आपके आंसर है, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, क्योंकि इस वाले पूरे रीजन में आपका ग्राफ नीचे है, इस वाले पूरे रीजन में आपका ग्राफ नीचे है, मतलब लेस देन जीरो है। जबकि ये जो रीजन है, इसमें अगर आप देखो आपका ग्राफ ऊपर है, ग्रेटर का रीजन है। तो बस आपने तीनों इंटरवल में से कोई वैल्यूज पुट करनी है उस इनइक्वालिटी के अंदर, और देखोगे अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो वो पूरा इंटरवल आपका आंसर होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो वो पूरा इंटरवल आपका आंसर नहीं होगा। ये प्रोसेस आप कर रहे होते हो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में। तो स्टेप्स आपको पता चल गए, फैक्टराइज करना है, तीन इंटरवल बनाने हैं, तीनों इंटरवल में से आपने वैल्यूज पिक करनी है, पुट करना है, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इंटरवल आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसकी बात करो आखिरी वाले की, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टच कर रहा हो, बिल्कुल टेंजेंट हो, ऐसे केसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब हम बात करें तो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फाइव पे क्रॉस कर रहे हैं, तो आपके पास जब आप इस सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक को, तो फाइव आंसर आ रहा होगा बस। तो अगर आप देखो दोनों रीजन जो है पॉजिटिव ही है, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो, फाइव से पहले वाले रीजन में भी ग्राफ ऊपर है, फाइव से इस वाले रीजन में भी ऊपर है। तो आप क्या करोगे, दो इंटरवल आ तो जाएंगे आपके पास, लेकिन आप समझ जाना या तो दोनों इंटरवल आपके आंसर है या दोनों इंटरवल आपके आंसर नहीं होंगे। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू कर लेते हैं और ग्रेटर देन जीरो कर लेते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे पता है ऐसा इसके वजह से दो आंसर आ रहे होंगे। मैं एक बिल्कुल ही वाला एग्जाम्पल बनाता हूं जिसमें रूट फाइव हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 25। अगर आप इसको देखो, आप जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे ना, आपके पास एक आंसर आ रहा होगा, वो फाइव होगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका सब सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब, जब आप सॉल्व करोगे ना, एक्स की वैल्यू फाइव आएगी, तो आपके दो इंटरवल आएंगे, एक फाइव से पहले का, एक फाइव के बाद का।
तो आप 5 से पहले भी कुछ वैल्यू पुट करो, आंसर इसका ग्रेटर देन 0 आएगा। आप 5 के बाद भी कुछ वैल्यू पुट करो, आंसर इसका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जब आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो तो इसका इस तरह बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दैट्स इट, आपका ग्राफ इस तरह बन रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर, तो दोनों रीजन जो है वो आपके ठीक होंगे। बिलफर्ड्स अगर ये चीज आ जाए तो अब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा ये अपवर्ड बन रहा है, लेस देन जीरो को है ही नहीं इसके अंदर, ये ग्राफ लेस देन जीरो पे तो है नहीं। आप एक्स से फाइव से पहले कुछ वैल्यू पुट करो, फाइव के बाद कुछ पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसका नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये लेस देन जीरो कभी भी नहीं होगा, तो आप लिख देना नो सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, रीजन है थोड़ी, अगर आप कहीं मेथड भूल जाओ तो आपको कॉन्सेप्ट जहन में हो गया इस तरीके से करना है, ये काम करना है, तो आसानी से वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो सब कॉन्सेप्ट दे दिया, मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लिखा हो कि -2x² + 5x + 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है, आपको वो एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो आप यहां पर पुट करो और रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। तो प्रोसेस क्या है यहां पे, उस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको जितनी आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज देखते हो वो फैक्टराइज हो जाती हैं, आपको इस टाइप की वो दे रहे होते हैं, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज आप कर लेते हो आसानी से उसको। अगर आपके एक्स के आंसर में रूट ना आ रहा हो, इमेजिनरी ना आ रहा हो ना, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो आसानी से। लेकिन एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव अगर रखें तो हमें आसानी होती है सॉल्व करने में, मिडिल टर्म ब्रेक करने में, जो भी हम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी पॉजिटिव टर्म, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये भी हो जाएगी नेगेटिव। अब मैंने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली आप एक तरफ तो नहीं कर सकते ना, दोनों तरफ आपको करना है। तो मैं दोनों तरफ जब किया तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा आपको, ये सिचुएशन हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू का था, लेस देन और इक्वल टू का बन गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। आपने जो करना है मिडिल टर्म ब्रेक, 2 को -12 से करो, ये है -24। -24 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि आंसर -5 है? भाई अगर आप 24 को देखो तो 6 4 जो होता है सेंस नहीं बन रही है उसकी, 8 3 जो होता है उसकी सेंस बन रही है। कैसे, क्या आप लिख सकते हो -8x + 3x - 12। -8 को 3 से करोगे -24 आएगा, -8 और 3 को ऐड करो -5 आएगा। आप शुरू की दो टर्म से 2x कॉमन ले लो, बाकी दो टर्म से 3 कॉमन ले लो। अब x माइनस 4 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x + 3, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको जरा आप नोट कर लो, फिलहाल इसको कुछ नहीं करना। अब वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, आप निकालोगे वो वैल्यूज जिस पे ये क्रॉस कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि रीजंस आपके पास बनते हैं ना। फिर एक रीजन होगा पहले पॉइंट क्रॉस करने से पहले वाला रीजन, दूसरा रीजन होगा पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान रीजन, तीसरा रीजन हो जाएगा दूसरे पॉइंट और एंड तक का पूरा रीजन। तो 3 रीजन है, इसमें आप देख लोगे कौन सा रीजन इस वाली को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रीजन आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करते हो। तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे इनको, और जरा वो दो पॉइंट्स मालूम कर रहे होंगे। तो आप क्या करो, इक्वल टू 0 रखो, एक्स माइनस 4 को 0 रखो, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। अच्छा, आप 2x + 3 को इक्वल टू 0 रखो, एक्स की वैल्यू -3/2 आ रही है। ये दो एक्स की वैल्यूज है। अब सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप एक रियल नंबर लाइन बनाओ अपनी आसानी के लिए, अभी सॉल्यूशन ही मैं लिख रहा हूं। आप जरा ड्रॉ करो, सबसे पहले नेगेटिव नंबर आएगा -3/2, फिर आपके पास 4 आ रहा होगा। अगर आप ऑब्जर्व करो 3 इंटरवल में आपकी लाइन डिवाइड हो गई है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। अब आप देखो इसमें से कौन सा ठीक है, मैं आपको वैसे आइडिया बता देता हूं कौन सा ठीक होगा। यहां पर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, क्योंकि इसको तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं इसको तो नहीं अब देखूंगा। ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नहीं इनइक्वालिटी आप बोलोगे, बहरहाल इसको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो मैं इसको देख रहा हूं, पहली को तो मैं नहीं देखूंगा। तो अगर आप इसमें देखो लेस देन 0 है जो आपके काम का रीजन है, और अगर आप देखो एक्स स्क्वायर इसमें पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, इसका मतलब इसकी शेप अपवर्ड होगी। तो इसकी शेप ना कुछ इस टाइप की होगी, बाद में भी हम देख लेंगे, इस टाइप की शेप होगी इसकी, कि इन दो पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा और इसकी शेप जो है ये अपवर्ड जा रही होगी, मैंने आपको पहले से बता दी है। तो अगर आप देखो इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन की है, तो लेस देन वाला ये रीजन होगा, तो देखना ये वाला आपका आंसर आ रहा होगा। अब ये है कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता हो बिलफर्ड्स, ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ तो मेथड क्या होगा। भाई 3 हिस्से हैं, आप क्या करना, तीनों हिस्से में से कोई अपनी पसंद की वैल्यू चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल -∞ से लेकर -3/2, -3/2 -1.5 होता है, इसके दरमियान कौन सी वैल्यू आएगी -2 फॉर एग्जाम्पल,
तो मैं यहां पे माइनस टू अपनी पसंद की वैल्यू कर लेता हूं। माइनस 1.5 से लेके 4 के दरमियान पसंद की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, तो फॉर एग्जांपल 0 हम पिक कर लेते हैं, और 4 ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी पसंद की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 पुट कर लेते हैं, और जरा पुट करके देखते हैं कौन सा रीजन है। अब आपको पता है ये वाला रीजन जब मैं पुट करूंगा आंसर ग्रेटर आएगा, ये वाला पुट करूंगा आंसर ग्रेटर आएगा, जबकि आपके इनक्वालिटी में लेस लिखा हुआ है तो ये रीजन नहीं होंगे। देख लेते हैं पुट करके। फॉर एग्जाम्पल आप जो आपने टेस्ट, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग वैल्यूज, आपने कुछ नहीं है, इस टेस्टिंग वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट कर दो, और जस्ट देखो साइन क्या आ रहा है, वैल्यू नहीं चाहिए, साइन क्या आ रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप माइनस टू पुट करो, माइनस टू माइनस फोर नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे माइनस टू पुट करो, माइनस टू जा माइनस फोर, माइनस फोर प्लस थ्री नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख दोगे। फिर आप जीरो पुट करो, यहां पे मैं जीरो पुट करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे जीरो पुट करूंगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। फिर फाइव पुट करते हैं, फाइव माइनस फोर पॉजिटिव, इधर फाइव पुट करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये तीन रीजन है, आपको कौन सा रीजन चाहिए, लेस वाला चाहिए मतलब नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला कौन सा रीजन है, ये वाला। बिल्कुल अगर यहां पे होता ग्रेटर वाला तो फिर आप ये वाला भी लेते और ये वाला ऐसा भी लेते, तो आपको लेस का चाहिए था, लेस का ये होगा, तो ये आपका रीजन आंसर है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब देखो इक्वालिटी भी आई भी है ना, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, माइनस थ्री अपॉन टू से लेके फोर, फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री अपॉन फोर के दरमियान फॉर एग्जाम्पल वन आता है, आप वन पुट करो, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा ट्वेल्व, फाइव प्लस ट्वेल्व सेवनटीन, सेवनटीन माइनस टू क्या होता है फिफ्टीन, फिफ्टीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस टाइप के आप चेक करते रहो, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस है जो हम फॉलो करके इनको सॉल्व कर रहे होते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को करवाता हूं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको वही काम करना है आपने, फैक्टराइज करना है, ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, अच्छा जी x कॉमन लो ये हो जाएगा x माइनस थ्री, यहां से 1 कॉमन लो x माइनस थ्री, अच्छा जी x माइनस थ्री फैक्टर आ गया x प्लस वन, तो आपको देखने में लग रहा है एक वैल्यू 3 आएगी x की और एक x की वैल्यू माइनस वन आएगी। एक लाइन बनाओ, सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू फिर आप पॉजिटिव, अगेन तीन हिस्सों में आपका इंटरवल तकसीम हो गया। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्जैक्टली अभी से बता सकते हो क्या इसका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है तो इसकी शेप अपवर्ड बन रही होगी, तो इस टाइप का आपकी कोई शेप बन रही होगी ऊपर। अब आपको कौन सा रीजन चाहिए जिसमें ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाले दो रीजन होंगे, माइनस वन से पहले वाले रीजन में भी ग्रेटर है, थ्री के बाद वाले रीजन में भी ये ग्रेटर है, तो बाकी आप मजीद तसल्ली के लिए सॉल्व भी कर सकते हो। इस वाले हिस्से में ये है माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन, तो मैं माइनस टू पिक कर लेता हूं, इस वाले हिस्से में मैं जीरो पिक कर लेता हूं, इस वाले हिस्से में फोर पिक कर लेता हूं। तो सबसे पहले माइनस टू यहां पे पुट करो नेगेटिव, यहां पे पुट करो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो पुट करो जीरो माइनस थ्री नेगेटिव, जीरो प्लस वन पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, फोर पुट करो फोर माइनस थ्री पॉजिटिव, फोर प्लस वन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आपको ग्रेटर वाला रीजन चाहिए मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखोगे, अब क्योंकि देखो इक्वालिटी नहीं है तो राउंड ब्रैकेट लगाओगे, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन फोर से लेके इंफिनिटी, और ये यूनियन का कॉन्सेप्ट ही होता है यहां पे कि दो रीजन है ना, दोनों इसका सॉल्यूशन है, जैसे सेट ए है सेट बी है, सेट ए भी आपका सॉल्यूशन हो सेट बी भी आपका सॉल्यूशन हो, तो आप क्या लिखोगे ए यूनियन बी, मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी सॉल्यूशन है, बी के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो भी सॉल्यूशन है, इनका जब आप यूनियन लोगे तो वो जो बड़ा सेट आएगा वो पूरा आपका सॉल्यूशन है ना, तो वही बात है ये वाला पूरा सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन, तो इसको आप एक साथ लिख दो, ये वो सारा रीजन है जिसमें ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इस वाली की भी आ जाएंगी इसकी भी आ जाएंगी, तो ये लिखने का तरीका होता है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप इस रीजन में से कोई भी वैल्यू उठाओ यहां पे पुट करो, देखना है हमेशा आंसर आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा। इसका एक लिखने का तरीका ज्यादातर मशहूर यही तरीका है, लेकिन एक और भी आप लिख सकते हो, एक और लिखने का तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप रियल नंबर में से वो रीजन निकाल दो जो मसला कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रियल नंबर है टोटल, मैं इससे वो वाला रीजन निकाल देता हूं जो मसला कर रहा है, कौन सा मसला कर रहा है, ये जो दरमियान का रीजन है ना ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, इस दरमियान के रीजन के अलावा सब रियल नंबर मेरे सॉल्यूशन है, ये रियल नंबर ही है ना सारे, तो इस दरमियान के रीजन के अलावा बाकी सब मेरे सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूंगा रियल नंबर में से इस वाले रीजन को निकाल दूंगा, पीछे जो बचेंगे पीछे कौन से बचेंगे ये वाले और ये वाले, ये मेरे सब सॉल्यूशन होंगे,
तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस वन से लेके थ्री, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस वन और थ्री भी निकालना है। माइनस वन और थ्री मेरा सॉल्यूशन नहीं है, तो रियल नंबर में से माइनस वन और थ्री को भी निकाल दो, और माइनस वन और थ्री के दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब, इन सबको निकाल दो, तो जो पीछे रीजन बचेगा वो सब मेरा सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, उस तरह भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ज्यादातर मशहूर ये नोटेशन होती है तो मैंने आप लोगों को ये करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इनइक्वालिटी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे छोटी सी है, मैं यहां पे आप लोगों को बता देता हूं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चों ये रखो कि आप एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ। अब एक्स स्क्वायर के रेफरेंस से हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर को मैं चेंज करता हूं तो इनइक्वालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, ये सिचुएशन में। अब यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं बता रहा, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो मॉड वाली इनइक्वालिटीज है उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक हल्की सी जुगाड़ बता देता हूं, रीजन आपको वहां पे समझ आएगी कि इसका मतलब प्लस माइनस कहां से आया, वो वहां पे हम समझ लेंगे। आपने इसको नॉर्मली जब इक्वेशन में सॉल्व करना होता बड़ा इजी तरीका होता, अगर आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आप दोनों तरफ रूट लोगे, यहां पे एक्स आ जाएगा, यहां पे प्लस माइनस, और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, आंसर आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाया करता था। इनइक्वालिटी में इतनी आसान नहीं होता, इनइक्वालिटी में आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट तो वही है, आप दोनों तरफ जब इनइक्वालिटी में रूट लेते हो ना तो प्लस माइनस लेफ्ट पे लगता है। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का रूट लूंगा ना तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होता है और साथ प्लस माइनस भी लगेगा, जबकि 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। अगेन ये जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट जो है पूरा मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट के अंदर दूंगा, अभी मैं दूं वहां पे भी दूं और वहां पे देने का फायदा भी है क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी होंगे सब, तो बिल्कुल सवाल अभी आ गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा वहां पे दूंगा। अभी बस सॉल्यूशन के तौर पे ये वाला भी वैसे अच्छा सॉल्यूशन है, जुगाड़ अगर आपको करनी हो तो टाइम बच जाएगा आपका, और कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह बाद में दे दूंगा। तो यहां पे इनइक्वालिटी में आपने प्लस माइनस वेरिएबल के साथ लगाना है, तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होता है, इसके साथ वेरिएबल के साथ प्लस माइनस लगा दिया, 9 का रूट 3 होता है। अभी दो इनइक्वालिटीज बन गई, एक इनइक्वालिटी क्या है कि आप प्लस कंसिडर करोगे एक्स के साथ, और दूसरी क्या है कि आप एक्स के साथ नेगेटिव कंसीडर करोगे। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो बस आपका फाइनल आंसर है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको एक्स की वैल्यूज चाहिए, माइनस एक्स की नहीं चाहिए, तो आप क्या करो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो ये सॉल्यूशन है आपका, एक ये सॉल्यूशन है। क्या इस रीजन को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल एक साथ लिखेंगे, एक्स इज लेस देन 3 बट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 3, ये दोनों एक साथ होने चाहिए कि अगर आप 3 से कम पुट करो और माइनस 3 से ग्रेटर पुट करो तो ये रीजन बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि माइनस 3 एक्स और 3, ये पूरा रीजन है कि जिसमें एक्स जो है वो लेस है 3 से जबकि एक्स जो है वो ग्रेटर है माइनस 3 से। इस रीजन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो ये सेटिस्फाई हो रही होगी, इस रीजन के बाहर कुछ पुट करोगे तब सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इस रीजन में नहीं आता, आप 4x की जगह पुट करो ये 16 हो जाएगा, 9 माइनस 16 माइनस 7 होता है, माइनस 7 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो ये वो रीजन है आपका जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, बैकवर्ड सेटिस्फाई करवानी है ना आपने, तो लेस देन 3 ग्रेटर देन माइनस 3 में ये वाला रीजन आ जाएगा 3 और माइनस 3 के दरमियान सब। अब रियल नंबर लाइन में भी आप इन सबको लिख सकते हो, जैसे ये सॉल्यूशन है इसको रियल नंबर लाइन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कैसे, आप एक लाइन बनाना 3 पे ओपन डॉट लगा देना, इस वाले एग्जांपल में ओपन डॉट लगेगा, ये पूरा एरो लगा देना, यहां पे ओपन डॉट लगाना, ये पूरा एरो लगा देना, तो रियल नंबर लाइन के अंदर भी आप इस आंसर को लिख सकते हो इस तरीके से। और इसमें कैसे लिखोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, ये है माइनस 3, ये है 3, अब 3 और माइनस 3 शामिल नहीं है तो ओपन डॉट होगा और दरमियान में लाइन करोगे, वैसे इतना बड़ा डॉट नहीं होता, थोड़ा छोटा ही लगाना, ये दरमियान का रीजन जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेम इसके साथ भी आप कर सकते हो, ये वाला रीजन था ना, और इसमें 4 और माइनस 3/2 शामिल थे तो हम ओपन डॉट नहीं करेंगे, फिल कर लेंगे, इसमें ये पूरा रीजन आ रहा था, तो डिफरेंट फॉर्म में अपने आंसर को आप लिख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ठीक है, अच्छा कभी आपके पास ये सीन अगेन कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना, अगर आपके पास आ जाए कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 4, अगेन स्क्वायर हटाने के लिए आप रूट लोगे, इस पूरी चीज का रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, और मैंने बताया था प्लस माइनस इनइक्वालिटी में आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओगे और ये होगा 2, तो एक में वही प्लस कंसीडर करना कि एक्स माइनस 1 इज लेस देन 2, एक में आप नेगेटिव कंसीडर करना, ठीक है, इसमें आप क्या करो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और साइन चेंज करना पड़ेगा।
तो बिल्कुल इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर होगा x इज लेस देन 3। इसको सॉल्व करो माइनस 1 हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो अब इसमें क्या आंसर होगा, माइनस 1 एक्स और 3, ये पूरा रीजन आपका आंसर आ जाएगा कि इस रीजन में x लेस देन 3 है और ग्रेटर देन माइनस 1 है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। खाली आप अच्छा एक सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है, उसका भी जवाब दे दो, कंफ्यूजन ना। तो आप क्वेश्चन ये बोल सकते हैं सर हम खाली इस तरह लिखते हैं कि x इज लेस देन 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये दोनों गलत बातें हो जाएंगी। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था ना कंपाउंड इनइक्वालिटी लिखने का तरीका, कि और करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसको हम और करके नहीं लिखेंगे, इसको हम एंड करके लिखेंगे। क्यों एंड करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। अगर आप ऑब्जर्व करो एक्स अगर 3 से कम होगा तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, नहीं। 3 से कम होने का मतलब माइनस 2 जो है वो भी 3 से कम होता है, तो क्या माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं है माइनस 2 इसका सॉल्यूशन। इसी तरह x इज लेस देन 3 में माइनस 5 भी आता है, क्या माइनस 5 इसका सॉल्यूशन है, माइनस 5 तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग ये दोनों ठीक नहीं। इसी तरह अगर आप इसको अलग लो x इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो ग्रेटर देन माइनस 1 में तो आप यहां पे 5 भी लिख सकते हो, 5 इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, पुट करके देखो यहां पे 5 माइनस 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इज नॉट लेस देन 4। तो कहने का मतलब अलग अलग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, आप इसको किस फॉर्म में लिखना है, आप इसको एंड के फॉर्म में लिखना है कि x इज लेस देन 3 होगा और साथ साथ x इज ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, मतलब वही वैल्यूज जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको सेटिस्फाई करें वो यहां पे राइट आंसर है। और वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो ये वाली वैल्यूज हैं जो कि आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, तो ये यहां पे और करने वाली बात यहां पे ठीक नहीं होगी। यहां पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 कर दें और कंसीडर कर लो ग्रेटर देन 0 करते हैं, उसको सॉल्व करो तो जगह एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, दोनों तरफ रूट लो प्लस माइनस एक्स, सॉल्व करना एक आंसर आएगा एक्स इज ग्रेटर देन 3 और अगर एक में हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 3। अगर आप सॉल्व करोगे ना ये 3 होगा ना यहाँ पे, अगर सॉल्व करोगे आप तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे एक्स इज लेस देन माइनस 3, मतलब एक तो ये होगा एक ये होगा। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो अब इसको आप इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से मैं लिख देता हूं x इज ग्रेटर देन 3 एक आंसर आ रहा है और x इज लेस देन माइनस 3 आंसर आ रहा है, तो क्या मैं इसको और करके लिखूं या क्या मैं इसको एड करके लिखूं, इसमें आप क्या करोगे। तो अगेन आप देख लो एड करके क्या सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, एड वाली कंडीशन ही यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगी, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन माइनस 3 पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर है जो ग्रेटर देन 3 हो और साथ साथ लेस देन माइनस 3 हो, पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह आप लिख नहीं सकते। फिर आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्या मैं उस तरह लिखूंगा, क्या दोनों बातें ठीक है, हाँ भाई आप तो x ग्रेटर देन 3 हो ये आपकी इक्वेशन ठीक होगी, आप चेक करके देख लो x से ग्रेटर 3 कुछ भी आप पुट कर लो सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, 100 पुट कर लो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। या x इज लेस देन माइनस 3 आप माइनस 3 से कम कुछ भी पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल माइनस 4 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 हो रही है, तो ये इनइक्वालिटी भी ठीक होगी या ये इनइक्वालिटी ठीक होगी। बैक वक्त दोनों मतलब स्टेटमेंट नहीं होंगी क्योंकि अलग अलग बात है दोनों, लेकिन इस वाली स्टेटमेंट को भी हम ठीक कह सकते हैं, ये भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है और ये वाली भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन और इसलिए आ रहा है क्योंकि बैक वक्त एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती और इसको कंपाउंड की फॉर्म में भी आप यहां पे नहीं लिख पाओगे। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ मैंने और भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे क्वाड्रेटिक की, ताकि मजीद जो कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन जो हो ना वो आप लोगों को खत्म हो जाए सारी। अच्छा जी, अब एक और रहेगी है और आखिरी आई गेस है, 4x² less than 9, ये कंडीशन अगर आपके पास लिखी हो इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे। अब देखो इसको एक साथ सॉल्व करना थोड़े हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको अलग अलग करने ताकि कंफ्यूजन ना हो, आसानी हो हमारे लिए, हम मुश्किल पैदा ना करें अपने लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक तो ये है, एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, ये दो चीजें, इनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम देख लेंगे कॉमन रीजन इसके अंदर क्या है। अच्छा, सेटिस्फाई दोनों होनी चाहिए एंड का है, तो हमने वो देखना है जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो रही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो आपके, बस इसको सॉल्व करते हैं, ये वही बात है प्लस माइनस एक्स इज लेस देन 3, फिर वही एक आ जाएगा एक्स इज लेस देन 3 और एक आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया। अच्छा, अब जरा इसकी बात करते हैं, अगेन वही प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 2 और ये हो जाएगा
माइनस एक्स इज ग्रेटर देन टू सॉल्व करो तो एक्स इज लेस देन माइनस टू, ये रीजन आ जाएगा। अब जरा हम देखते हैं कॉमन रीजन क्या है। जब इसको आप सॉल्यूशन लिखोगे ना, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है कि x 3 से कम है माइनस 3 से ग्रेटर है, मतलब ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन है, और इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब ओपन करना है इसको, ये वाला पूरा रीजन है इसके अंदर कि जिसमें माइनस 3 से ग्रेटर है और 3 से कम है, ठीक है। लेकिन खाली आपने इसको कंसिडर नहीं करना ना, साथ साथ दूसरी को भी कंसिडर करना है, दोनों को बैक पर सेटिस्फाई करवाना है। इस रीजन में क्या है, इस रीजन में कि x या तो 2 से ग्रेटर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 करते हैं, 2 से ग्रेटर का मतलब ये पूरा 2 से ग्रेटर वाला रीजन है, इन्फिनिटी तक जाते रहो, या एक्स लेस देन माइनस 2 है, फॉर एग्जाम्पल माइनस 2 यहां पर है तो या तो एक्स लेस देन माइनस 2 लेस देन, ये पूरा चलते रहो यहां पर। अब आप देखोगे कॉमन रीजन क्या है, जहां पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्योंकि बैक वक्त आपने एंड है ना, दोनों को सेटिस्फाई करवाना है, आपने अकेले के लिए बात नहीं करनी है, दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये वाला जो रीजन है इसमें दोनों लाई कर रहे हैं, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो कैसे भाई, देखो माइनस 3 से लेकर 3 तक तो पहली वाली चीज थी, ठीक है, दूसरी वाली चीज जो है वो 2 से लेकर ऑनवर्ड है, लेकिन ये वाला रीजन जो है कॉमन नहीं है, 2 से लेकर 3 वाला कॉमन है, क्योंकि 2 से लेकर 3 में ये वाला हिस्सा भी आ रहा है और ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 था, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे काम का हिस्सा है। इसी तरह माइनस 2 से लेकर माइनस 3 में भी कॉमन है, दोनों हिस्से आ रहे हैं, इसका भी हिस्सा आ रहा था कि जब लिखा हुआ था x इज ग्रेटर देन माइनस 3, माइनस 3 से ग्रेटर ये वाला हिस्सा था, और दूसरा इसमें क्या था x इज ग्रेटर लेस देन माइनस 2, माइनस 2 से लेस ये वाला हिस्सा, कहने का मतलब ये वो रीजन है जहां पे कॉमन है, और किसी रीजन में दोनों चीजें आपस में कॉमन नहीं है, मतलब ये वाली और ये वाली कॉमन किसी और रीजन में नहीं है, कोई भी रीजन निकालो, जैसे रीजन है इसमें सिर्फ ये लाई कर रहा है, जैसे ये वाला रीजन है इसमें सिर्फ ये लाई कर रहा है, दरमियान वाला रीजन जो है इसमें ये दो लाई कर रहे हैं, ये वाला लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये वाला रीजन और ये वाला रीजन इसमें दोनों लाई कर रहे हैं, इस वाले रीजन में ये वाला लाई कर रहे हैं और इस वाले रीजन में ये वाला सब लाई कर रहे हैं। तो दो यहां पे आंसर होंगे, आप इनको किस तरह लिखोगे, एक तो आंसर है भाई माइनस 3 से लेके माइनस 2 जितनी भी वैल्यूज है सेटिस्फाई कर रही है, यूनियन 2 से लेके 3 जितनी भी वैल्यूज है सेटिस्फाई कर रही है, किसी पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, सब पे राउंड ब्रैकेट आएगी, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां या तो आप इन वैल्यूज में से कुछ भी पुट कर दो, माइनस 3 और माइनस 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर दो, फॉर एग्जाम्पल माइनस 2.5 आप पुट कर दो, स्क्वायरिंग करो और देख लो, फॉर एग्जाम्पल माइनस 2.5 होता है माइनस 5 अपॉन 2, तो पुट करो यहां पे, माइनस 5 अपॉन 2 क्या होता है 5 अपॉन 4, ठीक है, तो देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, 5 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा 25 अपॉन 4, तो 25 अपॉन 4 जो है ये समथिंग 6 पॉइंट कुछ होगा, तो डेफिनेटली 6 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, जबकि 6 जो है वो लेस देन 9 है। तो आप इस रीजन के दरमियान कोई भी वैल्यू उठा लो, इसी तरह इस रीजन के दरमियान कोई भी वैल्यू उठाओ, ये जो पूरी कंपाउंड क्वालिटी है ये बैक वक्त सेटिस्फाई हो रही होगी, तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जी, कोई और एग्जांपल है मेरे पास, कोई और एग्जांपल नहीं है मेरे पास। अच्छा, एक तो क्वाड्रेटिक हमने किया ना, और एक और मेरे पास एक रैंडम एग्जांपल है कि जो हायर डिग्री की होती है वो भी कभी कभी दे देते हैं, लेकिन वो फैक्टराइज करके देते हैं, आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर हायर डिग्री हो तो उसको फैक्टराइज करना कभी इतना ईजी नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, आप नहीं इतना कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये चीज आ जाए एक्स प्लस 3 की होल पावर 5 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन 0, अब आपने ये चीज नहीं देखनी कि यार इस पे अगर पावर 5 आ रही है या पावर 2 आ रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया था ये जो कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे होते हैं ना, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आप लोगों से, कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप वो रीजन निकालते थे जो डिवाइड कर रहे होते थे, कि फॉर एग्जाम्पल एक रीजन ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर जाने का रीजन है, फिर उस पॉइंट से लेकर ऊपर तक के जाने का रीजन है, ये रीजन आप निकालते हैं और उसमें देखते हो कि इनइक्वालिटी ठीक है या नहीं है, इसकी पावर कुछ भी हो, रीजन जो है वो यहां पे कितने बन रहे होंगे, एक इसका आंसर होगा कि x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो माइनस 3, इसको रखो 1, इसको रखो 4, ये जो तीन पॉइंट है इस पे जो भी कर्व बन रहा होगा, हायर डिग्री है तो जो भी कर्व बन रहा होगा वो x एक्सिस को इन तीन रीजन में क्रॉस कर रहा होगा, तो आपने ये चार इंटरवल में तकसीम होंगे, तो आपने बेसिकली उन चारों इंटरवल को देखना है, ठीक है, ये चारों इंटरवल में उसका साइन क्या है, आपको बस इस चीज की टेंशन नहीं है। तो हम डिवाइड करते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस 3 है, ये 1 है, ये 4 है, तो अगर आप देखो 1 2 3 4 चार हिस्सों में तकसीम हो गया, आपने टेस्टिंग वैल्यूज देके देखना है इसको, फॉर एग्जाम्पल यहां पे माइनस 4 में लेता हूं, यहां पे 0 ले लेते हैं, यहां पे 2 ले लेते हैं, यहां पे 5 हम लेते हैं, जस्ट साइन आपने देखना है, मैं यहां पे माइनस 4 पुट करूंगा तो माइनस 4 प्लस 3 क्या होता है,
माइनस वन, माइनस वन की जब मैं पावर फाइव करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहां पे माइनस फोर पुट करो नेगेटिव, यहां पे माइनस फोर पुट करोगे क्योंकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव होगा। अच्छा अगर मैं जीरो पुट करूंगा, यहां पे जीरो पुट करूंगा थ्री बचेगा, थ्री की पावर फाइव पॉजिटिव है, यहां पे जीरो पुट करूंगा नेगेटिव आएगा, यहां पे जीरो पुट करूंगा नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर मैं यहां पे टू पुट करूंगा पॉजिटिव 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 तो सब पॉजिटिव होंगे, यहां पे पॉजिटिव लिख रहा हूं, और अगर मैं यहां पे फाइव पुट करूंगा पॉजिटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, ये पूरा सीन है। अब अगर यहां पे ऑब्जर्व करो आपको कौन सा वाला रीजन चाहिए, आपको वो रीजन चाहिए जिसमें लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव हो, नेगेटिव वाला ये रीजन है बस, इसका मतलब ये आपका आंसर है फाली। तो आप क्या लिखोगे, कौन सा ये इंटरवल है, ये माइनस थ्री से लेके वन का है, तो आप लिखोगे माइनस थ्री से लेके वन, राउंड ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी क्योंकि लेस देन है, इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये इसका पूरा रीजन है। आप इस रीजन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, रिजल्ट लेस देन जीरो आ रहा होगा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक, लीनियर और ये जनरलाइज है, इसी की हायर डिग्री है, पॉलीनोमियल कोई भी है, इसकी सब एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवा दी है। अब जो हमारी इनइक्वालिटीज रहेगी है नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो रैशनल है, फ्रैक्शन में आ जाए या मॉड वाली आ जाए आपके पास, या कोई लॉगरिथमिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, या स्क्वायर रूट वाली आ जाए, सब इंशाल्लाह कैटेगरीज जो है वो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।